मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। माल इलेक्शनी जलसे आम के सदर मोहतरम डॉक्टर शकील अहमद मंजिलवाला साहब और मंच पे तशरीफ फरमा इस्लामपुरे के तमामी जिम्मेदारान और पार्टी के तमामी जिम्मेदारान और जिन लोगों ने अभी इंडियन सेकुलर पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार की, ऐसे हमारे तमामी साथी, और जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है ऐसे तमामी मेरे नौजवान साथी, तमामी बुजुर्ग हजरात और इस्लामपुरे की तमामी मेरी माँ और बहनें, सबसे पहले मैं इस्लामपुरे की आवाम का और इस जलसेगाह के अंदर तशरीफ लाए हुए शहर से हमारे तमामी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोगों ने इस निशात रोड के जलसे को तारीखी जलसा बनाया। इस मंच से लेकर कुदवाई रोड तक और तमामी गलियों के अंदर हमारे तमामी जलसेगाह के अंदर मौजूद तमामी साथी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे पास 20 मिनट है, इंशाअल्लाह 20 मिनट के अंदर मैं मुख्तसर में मेरी बातों को रखूंगा। दोस्तों और साथियों, 20 नवंबर को मालेगांव शहर की आवाम को आइंदा 5 साल के लिए अपना एमएलए, अपना नुमाइंदा बनाने का फैसला करना है। यह इस्लामपुरा जहां पर हारून अहमद अंसारी साहब बाबा ए सियासत का मकान है और बहुत अजीम शहर के बहुत अजीम हमारे रहनुमा, हमारे उलमा, हमारे दीनी तंजीमों की ऑफिसेस, मसाजिद और सनतकारों का इलाका है। अगर इस्लामपुरे ने फैसला किया और इस्लामपुरे की आवाम ने सोच बूझ का फैसला किया और आज के एमएलए उनका अगर आप लोगों ने जायजा लिया और अगर आपने वोटिंग की जायजा लेकर ईमानदारी से, तो आप लोग नतीजे पे पहुंच जाएंगे और इंशाअल्लाह ये शहर को एक नया नुमाइंदा, नया एमएलए मिलेगा। मालेगांव शहर की आवाम ने आज से 5 साल पहले आज के एमएलए साहब को चुन कर दिया था, शहर की मां बहनों ने चुन कर दिया था, शहर की मां बहनों ने दुआएं की थी, कई मां बहनों ने रोजा रखा था और इसलिए कि शहर के एमएलए एक आलिम हैं और इसलिए कि एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है और वो महाराष्ट्र असेंबली के अंदर जाकर मुसलमानों की बात करेंगे, मुसलमानों के हक में आवाज उठाने का काम करेंगे और मालेगांव शहर को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएंगे। इसलिए हमारी शहर की मां बहनों ने रोजा भी रखी, ओटे भी दी शहर की आवाम ने। लेकिन आज मैं आप लोगों से, शहर की मां बहनों से कुछ बातें बताने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं।
कि हमारे शहर के एमएलए जो आप लोगों ने 5 साल पहले चुन कर दिया था, शायद मेरी मां बहने हमारी पर्दे में रहती है, घरों में रहती है, हमारी मां बहने जो दीनदार है, हमारी शहर की मां बहने, उनको घरों के अंदर पता नहीं चलता होगा। अगर मेरा जलसा पहले होता और उनका दौरा बाद में होता तो जरूर हमारी इस्लामपुरे की मां बहने जरूर उनसे सवाल करती। मेरी मां बहनों से मैं बोलना चाहता हूं, इस इस्लामपुरे के रहने वालों से बोलना चाहता हूं, क्या आप लोगों को पता नहीं होगा कि जब 5 साल पहले आपने शहर के एमएलए साहब को चुन कर दिया तो आपका सौदा आज के एमएलए साहब ने भारतीय जनता पार्टी से कर लिया था और इन्होंने 5 साल के अंदर कम से कम 25 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी से लिया और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को वोट देने का काम किया। आपको बेचने का काम, हमारी मां बहनों के रोजे को बेचने का काम, हमारी मां बहनों को कि हमारी दुआओं को बेचने का काम, इस मस्जिद और मीनारे के शहर को बेचने का काम आज के एमएलए साहब ने किया। मैं ईमानदारी से बोलना चाहता हूं, यह अलग बात है कि हमारा शहर मजहबी शहर है, मस्जिद और मीनारों का शहर है, यहां पर बहुत हमारे आलिमों की, हमारे उलमाओं की बहुत कदर की जाती है और मैं भी करता हूं, लेकिन अगर कोई शख्स रास्ते से भटक गया है, कोई शख्स अगर हमारी कौम का सौदा करता है तो क्या आप उनसे सवाल नहीं करोगे? आपको धोखा देने का काम करता है तो क्या आप इस शहर की आवाम और इस शहर की मां बहने क्या सवाल नहीं करेगी? सवाल करना चाहिए। अगर शेख आसिफ गलत कर रहा है तो मुझसे सवाल करे, अगर कोई आलिम एमएलए गलत कर रहा है तो उसके सवाल करना चाहिए। यह हमारा मजहबी फर्ज भी है, मिल्ली फर्ज भी है और आप लोगों ने वोट दिया तो आपका हक है कि सवाल करना चाहिए। लेकिन हमारे शहर के नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, उनको अंधभक्ति के अंदर उलझाया जा रहा है। मैं सरपरस्त से गुजारिश करूंगा कि हमारे नौजवानों से उनको जरा आप बताइए कि सियासत क्या होती है, मजहब क्या होता है, कारोबार क्या होता है, आप जरा बताइए। हमारे नौजवानों को गलत रास्ते पर गलत तरबियत देने का काम किया जा रहा है, आपको रोकने की जरूरत है हमारे नौजवानों को। मैं आज एक बात का जिक्र करना चाहता हूं, अभी 6 महीना पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, हमारे शहर के एमएलए साहब ने जमीयतुल उलमा के दफ्तर में शोभा बच्चाओं को बुलाया गया, जमीयतुल उलमा के जिम्मेदारान को बैठाया गया। शायद हमारे जमीयत के दूसरे जिम्मेदारों को इस बात का इल्म नहीं होगा, ये मैं मानता हूं, लेकिन बैठाया गया और क्या किया गया, क्या ऐलान किया गया कि फी सबीलिल्लाह हम फ्री में काम करेंगे, कोई रुपया पैसा नहीं लेंगे। जमीयत का बैनर लगा, जमीयत के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ऐलान किया गया। जमीयत के लोगों को भी धोखा देने का काम, शहर के मुसलमानों को भी धोखा देने का काम और एमआईएम के वर्करों को, उनके चाहने वालों को, मैं बोलना चाहता हूं आज के एमएलए साहब के वर्करों को, जिम्मेदारान को, कि आपको भी धोखा देने का काम किया गया। जमीयत के बैनर के सामने रखकर फी सबीलिल्लाह हम बोले काम करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि शोभा बच्चाओ ने, मैंने भी पैसा लिया, किसके लिए? वर्करों के लिए, पर पेटी हम लोगों ने पैसा लिया, स्लिप बांटने के लिए, रिक्शा लगाने के लिए मेहनताना हम लोगों ने भी पैसा लिया, वहीं मुस्तकीम डिग्निटी शान हिंद ने भी पैसा लिया, वहीं एजाज बेग ने भी पैसा लिया और आज के एमएलए साहब ने करोड़ रुपया लिया और यह कहा उन्होंने कि फी सबीलिल्लाह और पूरा पैसा अपने पास रख लिया गया है, यह शहर को धोखा देने का काम किया गया है।
इस तरीके का धोखा देने का काम किया जाता। जब उनको फायदा उठाना है तो दीनी तंजीम को आगे, मजहबी तंजीम को आगे किया जाता, और आप लोगों को और शहर के और उनके चाहने वालों को लगता कि नहीं हजरत ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन आज मैंने कहा था उस जलसे अय्यूब नगर के अंदर कि 180 करोड़ रुपया का मैं एक खुलासा करने वाला हूं। आप लोगों को याद होगा शहर की आवाम को और खास तौर पर इस्लामपुरे के लोगों को, क्योंकि मोहम्मदिया मदरसा भी यही है, आपको याद होगा कि 17 साल पहले जब आज के एमएलए साहब सियासत में नहीं आए थे तो उनकी आर्थिक परिस्थिति, उनके पास एक हीरो हांडा थी। मैं दुआ देता हूं अल्लाह ताला उनको करोड़ों रुपये से नवाजे, उसके अंदर मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन 17 साल गुजर गए। आज मैं आज के एमएलए साहब से सवाल करना चाहता हूं, शहर की आवाम से सवाल करना चाहता हूं कि आप उनसे सवाल पूछिए या एमएलए साहब आप अगले जलसे के अंदर कम से कम जवाब देने का काम करें कि 26/6/2018 में थाना जिले के वाशीवाड़ा में इलाके में एक जमीन, क्या आपने उसका सौदा नहीं किया क्या? और जिसकी कीमत 179 करोड़ रुपया है वाशीवाड़ा, वो वाशीवाड़ा ऐसे कुछ है, वो 179 करोड़ रुपये का क्या आपने सौदा नहीं किया क्या? क्या आपने अपने SBI बैंक के अकाउंट से करोड़ों रुपया सामने वाली पार्टी को नहीं दिया क्या? और वो जमीन एक मरकज के BJP के लीडर के भाई की थी या नहीं थी, इसका जवाब ये शहर की आवाम को दो। कहां से पैसा आया, रुपया पैसा कहां से आया? आप इतने करोड़पति कैसे बन गए? इसका मतलब साफ है कि आपने जब से सियासत में आप आए, आपने 2007 में तो एक रुपया ही शहर की आवाम से मांगा, रोड भी मांगा था, तो आज आपके पास इतना करोड़ों रुपया जमीन खरीदने के लिए कहां से आया? यह मेरा भी सवाल है और इस शहर की आवाम का भी सवाल है। आप जवाब देने की जवाब दे, ऐसा मैं आपसे अपील करता हूं। यह एक टाइटल हुआ है। अगर हम आज के MLA साहब अगर जवाब देकर छुटला देंगे तो इंशाल्लाह मैं पेपर आपके हवाले करूंगा, शहर की आवाम को पेपर दूंगा। पेपर है मेरे पास, इशार पावती का पेपर, बैंक अकाउंट की डिटेल, ये पैसा कहां से आया मैं शहर के उलमा से भी पूछना चाहता हूं। सवाल है कि आप उनसे सवाल करिए कि पैसा कहां से आया, और नहीं तो मैं दूसरा जब मेरा जलसा होगा ऐलान करूंगा एक मुंबई के कौन से इलाके के अंदर आपने और करोड़ों रुपए की जमीन का सौदा किया, वो भी बताने वाला हूं मैं। इतना करोड़ों रुपया कहां से आया, इसका जवाब ही शहर की आवाम को दो।
आपने 2007 से आपने सिर्फ करप्शन किया, रिश्वतखोरी की, पैसा लिया, पैसा बनाया, टक्का लिया और इस कौम का सौदा किया, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ये मुसलमानों का सौदा तुमने किया, हमेशा 17 साल तक तुम सौदा करते रहे। इसका जवाब इस शहर की आवाम को दो, देना पड़ेगा। मैंने आज एक उस जलसे के अंदर आज खास तौर पर बुनकर भाइयों को बुलाया था। मैं बुनकर भाइयों से सवाल करना चाहता हूं, इस इस्लामपुरे के रहने वालों से। अल्लाह का करम है, जो लोग मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे जिम्मेदारान के ऊपर, मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर इल्जाम लगाते हैं गुंडागर्दी का, मैं सवाल करना चाहता हूं इस इस्लामपुरे के रहने वालों से। क्या मुझे पता नहीं है कि इस्लामपुरे में कौन से भाई का कारखाना कहाँ है? क्या मुझे पता नहीं है कि रमजानपुरे के अंदर किसका कारखाना कहां पर है? लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या कभी शेख आसिफ या मेरे परिवार के लोग या मेरे कार्यकर्ता आपके पास आकर कभी गुंडागर्दी करे? एक नबी बता देना, मैं सियासत छोड़ने तैयार रहूंगा। एक इस्लामपुरे के बुनकर भाइयों ने बताना चाहिए कि हमने गुंडागर्दी की या हमने आपको तकलीफ देने का काम किया। नया इस्लाम पूरा हो, रमजान पूरा हो, या शहर के किसी भी इलाके के अंदर, अल्लाह का करम है। यूसुफ इलियास से भी बोलना चाहता हूं, खुदा की कसम तू भी खा, शेख आसिफ भी खुदा की कसम खाएगा, हल्फिया बोलेगा, मैं भी इस्लाम को मानने वाला हूं, मैं भी मुसलमान हूं, एक कुरान, एक अल्लाह, एक रसूल को मानने वाला हूं। बताना कि साइजिंग का काम किसने किया था, ये कम से कम हल्फिया बता। अल्लाह का करम है, न तो साइजिंग वाले बैठे हैं, सपीक संतोष, कई हमारे साइजिंग मालकान से पूछना कि पेपर सही नहीं थे। अल्लाह का करम है, ये शेख आसिफ ने अपनी सलाहियत से पेपर बनवा कर दिया और सील खुलाने का काम किया और कारोबार शुरू करने का काम किया। एहसान फरामोश लोग मैंने बहुत देखे, ऐसे लोग नहीं देखे, ऐसे लोग नहीं देखे जो अपनी जाति मुफाद के लिए इस तरीके की बातें करते। मैं आज हमारे शहर के बुनकर भाइयों से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पहले मैंने आपके लिए काम किया, आज भी काम करने के लिए तैयार हूं और आइंदा भी तैयार रहूंगा। आप लोग से मेरी अपील है कि आप लोग मेरा साथ दो, मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूं, आप मेरे पास आओ, ये शहर को संभालने का काम करूंगा, इस शहर को, सनत को संभालने का काम करूंगा। मैं तमाम ही बुनकर भाइयों से, मैं आज मेरा मैनिफेस्टो का पहला ऐलान कर रहा हूं। जिस तरीके से मैंने मस्जिद के अंदर सोलार फिट किया, मस्जिद के जिम्मेदारान से पूछना, एक रुपया भी नहीं लगा उनको, एक रुपया भी नहीं लगा, ना उनके अकाउंट में पैसा आया, ना डिटेल ली गई, ना मालूमात लिया, लेकिन सोलार अल्लाह के करम से लग रहा है, 5 लाख का, 4 लाख का, 110 मस्जिद और मदरसे के अंदर लग रहा है। मैं आज मेरे बुनकर भाइयों के लिए वादा करता हूं, मेरे मैनिफेस्टो का पहला वादा, कि अगर आप मुझको एमएलए बनाएंगे, आप मुझको अगर क्यादत सौंपेंगे, तो 12 लूम से लेकर 24 लूम तक आपको भी फ्री में सोलार लगाकर दूंगा, सोलार लगाकर। मुझे मालूम है कि 24 लूम के कारखाने की बिजली बिल 25,000-24,000 आती है। मैं आपको भी हुकूमत से लड़कर, हुकूमत में कोशिश कर आपको भी सोलार फिट कर करके दूंगा, चाहे वो 1 लूम हो, 12 लूम हो या 24 लूम हो। और आपने मेरा काम करने का तरीका देखा, आज के एमएलए ने कहा था कोई कानून नहीं है, वो कल भी बोलेंगे कोई कानून नहीं है, लेकिन शेख आसिफ कानून बनाना जानता है, कानून बनाना जानता है। आइए मेरे बुनकर भाई, मैं आपकी रोजी रोटी की बात कर रहा हूं, आपके कारोबार की बात कर रहा हूं, आपके फायदे की बात कर रहा हूं,
आपको सोलार लगेगा, ना पावर बिजली कंपनी का टेंशन, ना बिजली बिल भरने का टेंशन, ना सब्सिडी का टेंशन। आपको लग जाएगा सोलार, बिजली मुफ्त में मिलेगी, कारोबार चलेगा, खुशहाल रहोगे। मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं आज आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं शहर के नौजवानों से बोलना चाहता हूँ, ये इलेक्शन बहुत अहमियत का है। जिस तरीके से योगी उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर की सियासत कर रहा है, वो सियासत महाराष्ट्र में भी आने वाली है। उसकी मिसाल आप लोग ने देखा होगा कि नीतीश राणे ने कहा था कि किला झोपड़पट्टी को मैं बुलडोजर से उखाड़ दूंगा, कहा था। यह शहर को ताकतवर नुमाइंदे की जरूरत है, महाराष्ट्र के अंदर लड़ने वाले नुमाइंदे की जरूरत है, असेंबली के अंदर बीजेपी से मुकाबला करने वाले नुमाइंदे की जरूरत है, कमजोर नुमाइंदे की जरूरत नहीं है, कमजोर नुमाइंदे की जरूरत नहीं है। नौजवानों, मेरा साथ दो, मुझे वोट देकर कामयाब करो। आपसे भी वादा करता, मेरी मां बहनों से भी वादा करता कि आपका बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता अगर मैं एमएलए रहा तो। आपका बाल भी बीजेपी वाले, आरएसएस वाले आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते। ये वादा शेख आसिफ आपसे कर रहा है, और मैंने कल भी कहा, आज भी बोल रहा हूं कि आप मुझे एमएलए बनाकर भेजो, इंशाल्लाह पहले दिन ये हरा झंडा लेकर असेंबली के अंदर जाऊंगा, असेंबली के अंदर जाऊंगा, ये वादा करता हूं। मेरा साथ दो, वह हैदराबाद के लोग आपका साथ देने नहीं आएंगे। अल्लाह का करम से लड़ने वाला, ताकत से लड़ने वाला, इनको जवाब देने का काम ये फिरका परस्तों को शेख आसिफ करने के लिए तैयार है। मेरा साथ दो। और बुनकर भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, अपील करता हूं कि हमको हमारे कारोबार की भी फिक्र करने की जरूरत है, हमको हमारे कारोबार में तरक्की हो, सब्सिडी मिले, पॉलिसी अच्छी बने। मैं सोलार लगाने की बात कर रहा हूं, कारोबार की बात कर रहा हूं, मैं शहर को संभाल सकता हूं। एक मौका मुझे दो, और एमएलए साहब जब आएंगे पूछना 179 करोड़ का मामला क्या है। 20 तारीख को आपसे अपील करता हूं मैं इस्लामपुरे की आवाम से कि 20 तारीख को आप लोगों से, शहर की आवाम से कि 20 तारीख को मेरा निशान, मेरा सिंबल 4 तारीख की दोपहर तक आ जाएगा, और उस पे बटन दबाकर 20 तारीख को हजारों की तादाद में मुझे कामयाब करे वोट देकर। यह अपील करता हूं और मेरी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा।